हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज का आपका थर्ड लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, ठीक है। सभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस बार जो आपकी परीक्षाएं हैं वो ऑब्जेक्टिव मोड में रहेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एक एक यूनिट करके। तो फर्स्ट यूनिट का हमने अब तक 50 तक, ठीक है, एक से लेकर 50 तक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे 51 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का पोर्शन है ये, और आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। चलिए, बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पोर्शन है, फर्स्ट यूनिट है आपका, जिसमें हमने एक से लेकर 50 तक, ठीक है, डिस्कस कर लिए। आज हम बात करेंगे 50 से 51 से आगे, ठीक है। 25 या 30 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है सुक्रोज शक्कर किस शर्करा से बनाई जाती है, ठीक है। सुक्रोज भी आपका क्या है, एक प्रकार की शक्कर है और शर्करा है, लेकिन बनाई किससे जाती है ये पूछ रहा है, ठीक है। कौन सी शर्करा से इसको बनाया जाता है, चलिए आंसर करेंगे आप, ठीक है। जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर आप पहले करेंगे, ठीक है, हमसे पहले, और देखेंगे कि कितने आंसर आपके सही हैं, ठीक है, कितना आपका जो है रेशियो रह रहा है आंसर का, ठीक है। फर्स्ट है ताड़ कौमा अखरोट की शर्करा से, दूसरा है गन्ने तथा चुकंदर की शर्करा से, शहद की शर्करा से, खजूर ताड़ की शर्करा से, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका ठीक है, जिससे आपका क्या बनाया जाता है, सुक्रोज शर्करा को बनाया जाता है, ठीक है। तो आंसर करेंगे क्या हो जाएगा 51 का, चलिए 51 का आंसर क्या हो जाएगा, किससे शर्करा को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, सुक्रोज शर्करा को किससे बनाया जाता है, तो अगर हम बात करें सुक्रोज शर्करा की, ठीक है, तो इसको मोस्टली किससे, गन्ने से और चुकंदर की शर्करा से, ठीक है। गन्ने से और चुकंदर की शर्करा से हम किसको बना सकते हैं, आपका सुक्रोज शर्करा को, ठीक है। इसको हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गन्ने की शुगर, किसको, सुक्रोज को, ठीक है। तो ये अपने गन्ने की, गन्ने से भी बन जाएगी और चुकंदर की शर्करा से भी बन जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, गन्ने और चुकंदर की शर्करा से, ठीक है, सुक्रोज शर्करा को बना सकते हैं। 52 कह रहा सुक्रोज शर्करा में पौष्टिक तत्वों की मात्रा कितनी होती है, जो आपका सुक्रोज शर्करा है उसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो क्या है, बहुत कम होते पौष्टिक तत्व, या आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, या बहुत या अधिक होते हैं, क्या कह रहा है, अन्य शर्कराओं से अधिक होते हैं, ठीक है। तो सुक्रोज शर्करा में पौष्टिक तत्व कितने होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अनुमान है बहुत कम होते या बहुत ज्यादा या अधिक या अन्य शर्कराओं से अधिक, तो क्या हो जाएगा 52 का आंसर आप करेंगे। चलिए 52 आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमने पहले भी ऊपर पढ़ा था कि ये जो आपका सुक्रोज शर्करा है इसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है, कैसी होती है, बहुत कम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है, इसमें पौष्टिक तत्व बहुत कम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 शहद में सुक्रोज शर्करा कितने प्रतिशत पाई जाती है, शहद में सुक्रोज शर्करा कितने प्रतिशत आपकी पाई जाती है यह आपको बताना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी पढ़ा था, स्टार्च था वहां पर, तो क्या हो जाएगा आपका 60% होता है, या 70% होता है, या आपका 80% होता है, या आपका 90% होता है, ठीक है। सुक्रोज शर्करा की बात कर रहा है, शहद में कितनी पाई जाती है ये आपको बताना है। चलिए आंसर करेंगे, सुक्रोज शर्करा शहद में कितनी परसेंट पाई जाती है। चलो, अभी हमने ऊपर से ऊपर जो इसी से रिलेटेड थे वो हमने पढ़े थे, अनाज में स्टार्च मतलब कितने परसेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सुक्रोज शर्करा कितनी पाई जाती है, 60, 70, 80 और 90। आपका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। चल, तो शहद में जो है शर्करा आपकी लगभग लगभग कितनी पाई जाती है, 80%, ठीक है, 80% के आसपास शहद में आपकी जो है सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम केन शुगर के नाम से भी जानते हैं, जो आपके एक डाइसैकेराइड है, क्या है, एक प्रकार का डाइसैकेराइड शर्करा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 शहद में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, शहद में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आपका था और ये सेम है, क्या 60%, 70%, 80% और इनमें से कोई नहीं, तो ये क्वेश्चन नंबर 53 और 54 दोनों आपके कैसे हैं, सेम है, ठीक है। वहाँ भी शहद में सुक्रोज पूछ रहा है, यहाँ भी शहद में सुक्रोज पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 80%, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, दोनों आपके सेम क्वेश्चन है।
55 शर्करा के पाउडर में कितने प्रतिशत, ठीक है, स्टार्च मिलाने से क्या बन जाता है आपका, आइसिंग शर्करा का निर्माण होता है, ठीक है, कितने परसेंट आप क्या मिला दोगे इसमें, स्टार्च कितना मिला दिया जाए कि आपका क्या बन जाए, आइसिंग शर्करा, ठीक है। तो आइसिंग शर्करा की अगर हम बात करें तो ये आपका एक पाउडर शुगर होता है, क्या होता है आपका, पाउडर शुगर। कब बनता है, जब इसमें हम क्या मिला देंगे, इसमें हमने 5% तक, कितना भाई, 5% तक इसमें क्या मिला दिया जाए, स्टार्च मिला दिया जाए, ठीक है, STA स्टार्च मिला दो 5%, और क्या बन जाएगा आपका, आइसिंग शुगर, ठीक है, आइसिंग शर्करा, आइसिंग शुगर, जो कि आपका एक प्रकार का पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है, यानी कि पिसा हुआ फॉर्म, ठीक है। तो ये कब बनता है, शर्करा के पाउडर में कितना परसेंट मिला दो, 5% के आसपास, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है, 5%, ठीक है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, 5% आपने क्या करना है, शर्करा के पाउडर में क्या मिला देना है आपको, स्टार्च मिला देना है, ठीक है, 5%, और बनेगा क्या आपका, आइसिंग शर्करा बन जाएगा, ठीक है, इसे हम पाउडर शुगर कहते हैं, ठीक है, ये पाउडर फॉर्म होता है, ठीक है, शुगर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे, कह रहा है इनमें से, निम्न में से क्या है, 56, निम्न में से किसका निर्माण गन्ने के रस से किया जाता है, तो गन्ने के रस से क्या बनता है, केवल आपको ये बताना है, क्या दही व क्रीम बनता है, या चीनी व गुड़ बनता है, या आपका शहद बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता है। तो भाई ये कहाँ से बन जाएगा, दही और क्रीम बन जाएगा क्या, नहीं, ना शहद बनेगा, क्या बनेगा आपका, चीनी और गुड़, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 56 का, ठीक है। ये तो ऑप्शन ही बिल्कुल मतलब देना ही नहीं चाहिए था, मतलब दही और क्रीम, ये क्या बन जाएगा। 57, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन नहीं है, क्या पूछ रहा है ये, आपको क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, कि मतलब लास्ट में नहीं लिखा है या है लिखा है, कभी कभी हम जल्दबाजी में इतना पढ़ जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का प्राप्ति का प्रमुख साधन और है अपने आप से जोड़ देते हैं, और नहीं देखते कि इसमें नहीं लगा है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना कि क्वेश्चन के अंत में नहीं तो नहीं लिखा है, तो क्या है भाई, दूध है, या आपका चीनी है, या आपका गुड़ है, या आपका शहद है, ठीक है, नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्या है, प्रमुख साधन नहीं है, यानी कि कहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, ठीक है। तो भाई गुड़ से भी मिलता है हमें, ठीक है, शहद से भी मिलता है, और चीनी से भी मिलता है, तो दूध एक ऐसा साधन है, प्रमुख साधन है, जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, दूध से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, यहाँ से प्रोटीन और विटामिन वगैरह आपको जो है मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, सुक्रोज का जल अपघटन है, ठीक है, सुक्रोज का जल अपघटन क्या है, क्या इसको एस्टरीकरण कहते हैं, या इसको साबनीकरण कहते हैं, या आपको प्रतिपण कहते हैं, या इसको जलयोजन कहते हैं। तो भाई सुक्रोज का क्या करा जाता है, हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन करने को क्या कहते हैं, ठीक है, एस्टरीकरण नहीं कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन हमने लगभग 2 बार पढ़ लिया है, ठीक है, क्योंकि एस्टरीकरण वह प्रोसेस होती है जहां एस्टर का निर्माण होता है, ठीक है, साबुनीकरण जहां साबुन का निर्माण हो, जलयोजन जहां जल का योजन हो, ठीक है, ये अगर हम बात करें तो क्या होता है इसका, प्रतिपण कहलाता है, ठीक है। 58 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिपण कहते हैं, ठीक है, किसको, सुक्रोज का जल अपघटन क्रिया को, ठीक है। 59 तो आंसर क्या हो जाएगा, 58 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रतिपण कहते हैं। 59 सुक्रोज का सही नाम है, ठीक है, किसका, सुक्रोज का सही नाम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए सुक्रोज का सही नाम, इसको हम थोड़ा यहां पर देख लो आप, सुक्रोज का सही नाम क्या है केवल आपको ये बताना है, क्या इसको अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल कहते हैं, पायरेनोसाइल, और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोसाइट कहते हैं, या इसको बीटा डी ग्लूको पायरेनोसाइट और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोसाइट कहते हैं, या अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल और अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोसाइट कहते हैं, या बीटा डी ग्लूको पायरेनोसाइल या अल्फा एल फ्रक्टोफ्यूरोनोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई एक ऐसा नाम है जो किसका, सुक्रोज का सही नाम है, वो आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका। चलिए आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक, आंसर तो पहले अगर हम बात करें आपका सुक्रोज का, ठीक है, तो सुक्रोज की अगर हम बात करें तो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22
11, ठीक है, ये आपका क्या होता है, सुक्रोज। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो ये क्या जल अपघटन पर क्या देता है आपका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, ठीक है, क्या देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये आपके क्या है, सभी कार्बन लगे हुए हैं, क्या है आपके, कार्बन जो है लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ आपका क्या है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहाँ से भी आपके एक ऑक्सीजन से दूसरी रिंग आपकी जो है जुड़ी है, ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन से भी आपकी दूसरी रिंग कुछ इस तरह से जो है आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, CH2OH और OH और H रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, CH2OH, और इनमें आपका ओ एच और एच, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्रम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऊपर ओ एच आपका और नीचे ओ एच, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका नीचे ओ एच और आपका ऊपर एच हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर भी सेम इसी तरह से जो है लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, ना ना ये केवल आपका कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है, ठीक ये आपका केवल ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ा रहता है, ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्म में ऐसे इस तरह से, ठीक है, और नीचे आपका क्या लगा रहता है, एच और ओ एच, यहाँ पर आपका ओ एच लगा रहेगा, और यहाँ पर एक ओ एच, और यहाँ पर एच, और आपका एक यहाँ पर एच, बाकी जो आपका लास्ट वाला कार्बन है इससे क्या लगा होता है आपका, CH2 और ओ एच, और इधर क्या लगा होता है आपका एच, ठीक है, तो इसमें एक एक फॉर्म आपकी क्या है, ग्लूकोज की, दूसरी क्या है, एक आपकी फ्रक्टोज की है, ठीक है, तो ये जो आपका होता है इसको कहते हैं एल्फा डी, ठीक है, एल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल, एल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइल, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। दूसरा आपका क्या है, इधर वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला, इसका नाम क्या है, इसे कहते हैं बीटा डी, ठीक है, क्या कहते हैं, बीटा डी फ्रक्टो, बीटा डी, और क्या हो जाएगा आपका, फ्रक्टो प्यूरे नो साइट, ठीक है, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरोनोसाइट, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है आपका, सही नाम है किसका, सुक्रोज का, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा सुक्रोज बना हुआ है, और इसमें आपकी दो फॉर्म होती है, एक क्या होता है अल्फा डी, और दूसरा क्या होता है बीटा डी, ठीक है, ग्लूकोज होगा, जो ग्लूकोज होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूको पायरेनोसाइल, और जो फ्रक्टोज होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रक्टो फ्यूरेनोसाइड, ठीक है, तो इस तरह से नाम क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइड और बीटा डी फ्रक्टो फायरेनोसाइड, ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा आपका, सुक्रोज का सही नाम। 60 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, ओ नो नो, 60 कह रहा है, सुक्रोज के जल अपघटन से बना मिश्रण होता है, तो सुक्रोज का जल जब जल अपघटन किया जाता है तो मिश्रण बनता है क्या, वह वामावर्ती होता है या दक्षिणावर्ती होता है, या आपका प्लस और माइनस समवर्ती होता है, या आपका ध्रुवण आघूर्णक होता है, ठीक है, तो कैसा होता है ये आपको बताना है, ठीक है, चलिए आंसर करेंगे 60 का, क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्ती वामावर्ती या आपका प्लस माइनस, ठीक है, जिसे अल्फा डी माइनस और बीटा डी माइनस की फॉर्म नाम से भी जानते हैं, और ध्रुवण आघूर्णक, क्या हो जाएगा 60 का आंसर, ठीक है, चलिए, तो ये जो आपकी दोनों फॉर्म होती है जल अपघटन पर, आपको क्या मिलता है, वे ग्लूकोज मिलता है, और क्या मिलता है आपको, एक फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, तो ये दोनों आपके कैसे होते हैं, वामावर्त, ठीक है, कैसे होंगे आपके, वामावर्त, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, ठीक है, तो ये दोनों जब जल अपघटन होता है सुक्रोज का, तो हमें जो शुगर मिलती है उनका मिश्रण कैसा होता है, दोनों का वामावर्त होता है, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को शो करते हैं।
61 कह रहा, सुक्रोज को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मिलता है ये बताना है। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या करना है, सुक्रोज को जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ में आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा ये बताना है। ठीक है, चलिए सुक्रोज की बात करें, C12H22 और O11 प्लस आपका क्या है H2SO4। ठीक है, तो ये आपका जो है ये रिएक्शन जो है सुक्रोज के साथ में नहीं करता है। ठीक है, इनमें से आपको कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, और जब ये रिएक्शन करता है तो आपका क्या देता है, भी कार्बन प्लस जल। ठीक है, कार्बन और जल बनाता है। ठीक है, केवल कार्बन। ठीक है, जितने भी कार्बन हो कितने हैं 12, तो ये 12 कार्बन देगा आपको और जल देगा। ठीक है, और ये क्या करता है, इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका 61 का डी आंसर हो जाएगा। 62 की बात करें तो कह रहा है सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, किसका जल अपघटन कराना है आपको, सुक्रोज का। ठीक है, वही आपका C12H22 और O आपका क्या है 11 प्लस आपका क्या हो जाएगा H2O। मिलेगा क्या, क्या ग्लूकोज के दो अणु मिलेंगे, फ्रक्टोज के दो अणु मिलेंगे, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के प्रत्येक एक एक अणु मिलेगा, ग्लूकोज तथा मैनोज के प्रत्येक एक अणु मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका बताएंगे। चलिए चलिए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा 62 का। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो हमें क्या मिलता है, भी हमें ग्लूकोज तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, ग्लूकोज तो आपका मिलता ही मिलता है, और क्या मिलता है आपको, फ्रक्टोज। ठीक है, और मिले, एक ध्यान रखना है कि दोनों का आपका एक एक अणु मिलेगा, क्या मिलेगा, दोनों का एक एक अणु, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कब, सुक्रोज का जब जल अपघटन कराओगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ग्लूकोज और आपको फ्रक्टोज मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 63 क्या कह रहा है, लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से, किसके, लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से बनता है, क्या बनता है लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से ये आपको बताना है। क्या दो ग्लूकोज के अणु बनते हैं, दो गैलेक्टोज के अणु बनते हैं, एक गैलेक्टोज और एक फ्रक्टोज बनता है, एक गैलेक्टोज और एक आपका ग्लूकोज बनता है। ठीक है, किससे, गैलेक्टोज से आपका क्या बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 63, तो आंसर क्या हो जाएगा, चलिए का आंसर, तो ये आपका 63 की अगर हम बात करें तो क्या करना है, लैक्टोज का जल अपघटन कराओगे तो एक गैलेक्टोज मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज। ठीक है, एक गैलेक्टोज और एक का आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, तो बात अगर हम करें किसकी, लैक्टोज की। ठीक है, तो इसका भी फार्मूला आपका सेम रहता है, C12H22 और O आपका 11। ठीक है, प्लस H2O, तो ये क्या देता है आपको, एक तो आपको गैलेक्टोज देगा, गैलेक्टोज प्लस दूसरा क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, ग्लूकोज। ठीक है, स्ट्रक्चर दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर आपके दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन गैलेक्टोज में केवल आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट कार्बन पे आपका क्या रहता है, कुछ इस तरह से कंडीशन रहती है। ठीक है, गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज में क्या रहता है आपका, फर्स्ट कार्बन पे क्या रहेगा आपका, कुछ इस तरह से। ठीक है, केवल राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का जो है पोजीशन है वो ही चेंज होता है, बाकी आपका इसका जो है पूरा सेम का सेम आपका फार्मूला रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नहीं, एक गैलेक्टोज और एक क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या है आपका, डी। 64 की अगर हम बात करें, कह रहा सांद्र HNO3, ठीक है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सुक्रोज से कराने पर प्राप्त होता है, जब सांद्र नाइट्रिक की अम्ल की क्रिया हम सुक्रोज से कराते हैं तो क्या बनता है, C12H22O11 प्लस आपका क्या है, HNO3। ठीक है, तो हम जानते हैं ये क्या देता है, ये आपका
क्या कार CO और CO2 देता है, या COOH का होल ट्वाइस प्लस H2O देता है, या CO2SO2 देता है, या कार्बन और H2O देता है। ठीक है, तो ये कार्बन और H2O ये कब देता है, जब इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में करते हैं। ठीक है, किसके साथ में करते हैं, H2SO4 के साथ में जब रिएक्शन करते हैं सुक्रोज की, तब जाके हमें ये मिलता है। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर देखा था। अब रिएक्शन HNO3 के साथ में कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिलता है, जब इसकी रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, COOH। ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH, ये आपका क्या है, ऑक्जैलिक एसिड। क्या मिलता है आपको, ऑक्जैलिक एसिड, प्लस आपका इसमें कुछ मात्रा में जल भी बनता है। ठीक है, ऑक्जैलिक एसिड और जल का भी फॉर्मेशन जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या मिलता है, ऑक्जैलिक एसिड और जल। ठीक है, COOH का होल्टा है जो कि आपका यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, 65 क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा सुक्रोज में मुक्त CHO समूह नहीं पाया जाता है, इसकी पुष्टि होती है। ऐसा कैसे पता चलेगा कि जो आपका CHO है वो आपका किस में नहीं पाया जाता है, सुक्रोज में, सुक्रोज में जो आपका नहीं पाया जाता है। तो यह ओसाजोन नहीं बनाता है, क्या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया नहीं करता है, या HIO4 से ऑक्सीकृत नहीं होता है, या NH2OH से क्रिया नहीं करता है। तो इनमें से कोई एक ऐसा है जिसके कारण ये पता लगेगा कि जो आपका सुक्रोज है उसमें CHO ग्रुप नहीं पाया जाता है। तो आंसर करेंगे क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 65 का। चलिए आंसर करेंगे, कैसे पता लगेगा कि जो आपका सुक्रोज है उसमें आपका CHO ग्रुप नहीं पाया जाता है। चलिए, तो ये क्या करता है भाई, ये ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है, और इसीलिए पता लग जाएगा कि इसमें जो है CHO ग्रुप नहीं पाया जाता है। ठीक है, ओसाजोन, जैसे अगर हम बात करें ओसाजोन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन या कार्बन सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, या आपका सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर ये जो आपका OH है इसको हटा के भी हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, ओसाजोन बना लेगा। ठीक है, तो ओसाजोन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, और C6H5 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दो कार्बन पे, ठीक है, पहले और दूसरे कार्बन पे आपका क्या बन जाता है, कुछ इस तरह से सी डबल बॉन्ड NN C6 और आपका H5। ठीक है, और दूसरा कार्बन होता है उस पर भी हम क्या लगा, उस पर भी आपका लग जाता है NH NN और C6H5। ठीक है, इस तरह से, तो ये बनता है आपका ओसाजोन। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें CHO नहीं पाया जाता, तो ये ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, ओसाजोन बनाने के लिए आपको CH2 C डबल बॉन्ड O जो है ग्रुप चाहिए होगा। ठीक है, कीटोन ग्रुप। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है। 66 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, लैक्टोज HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, इसके इससे सिद्ध होता है कि, जब आपका लैक्टोज जो है HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है तो इससे क्या सिद्ध होता है, ये कह रहा है, क्या इसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है, ये सिद्ध होता है, इसमें कार्बोनिल समूह है ये उपस्थित होता है, इनमें कार्बोक्सिल समूह है ये उपस्थित होता है, इनमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है ये उपस्थित होता है। ठीक है, तो क्या कैसे पता चलेगा कि इनमें जो है HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 66 का आप आंसर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 66 का आंसर करेंगे। चलिए, तो भाई ये क्या करता है, सी डबल बॉन्ड ओ और कुछ एच, इस तरह से आपका जो है रहता है। ठीक है, क्या, लैक्टोज। तो इसमें क्या होता है, जब ये आपका HCN से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है साइनोहाइड्रिन, मतलब कि कार्बन, ये क्या लगा रहेगा आपका CN, और क्या लगा रहेगा आपका इधर OH। ठीक है, कार्बन पे क्या लगा रहेगा, CN, और इधर क्या लगा रहेगा आपका ON। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका साइनोहाइड्रिन। ठीक है, कुछ इस तरह से ये बना लेता है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि इसमें जो है क्या होता है, इसमें कौन सा समूह होता है, चलिए बताएंगे, क्या कार्बोनिल समूह होता है, COO समूह। ठीक है, जब COO समूह होगा तभी जाके आपका जो है फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसका, साइनोहाइड्रिन का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, भी इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है, ये वाला ग्रुप। ठीक है,
तभी जाके ये HCN से क्रिया करेगा और साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, लैक्टोज किसको अपचयित नहीं कर पाता है? लैक्टोज इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको ये लैक्टोज अपचयित नहीं कर पाता? क्या फेलिंग विलयन है, या टालिन अवकर्मक है, या बेनेडिक्ट विलयन है, या आपका शिफ अवकर्मक है? ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऐसा है जिसको लैक्टोज अपचयित नहीं कर पाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो लैक्टोज की अगर हम बात करें तो ये फेलिंग विलयन को जो अपचयित नहीं कर पाता है। ठीक है, फेलिंग विलयन, ठीक है, ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट, या इसको CU2 और O के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है आपका फेलिंग विलयन होता है। ठीक है, तो फेलिंग विलयन आपके दो प्रकार के होते हैं, फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन आपका बी। ठीक है, तो फेलिंग विलयन को ये अपचयित आपका नहीं कर पाता है। ठीक, नेक्स्ट 68 कह रहा है, लैक्टोज की क्रिया NH2OH से कराने पर बनती है, क्या बनेगी जब लैक्टोज की क्रिया NH2OH से करा देंगे, तो क्या ऑक्सेन बनेगा, या साइनोहाइड्रिन बनेगा, या आपका हाइड्रोजन बनेगा, या आपका लैक्टोबायोनिक एसिड बनेगा? तो कौन सा बनेगा जब लैक्टोज की क्रिया किससे, NH2OH से करा देंगे, तब क्या बनेगा, ये आपको बताना। चलिए आंसर करेंगे 68 का, 68 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, तो भाई लैक्टोज की क्रिया से क्या बनता है, भी ऑक्जाइम बनता है। क्या बनता है, ऑक्जाइम बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका COO ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, किसमें, आपका लैक्टोज में। अब क्रिया कर दो किससे, इसकी आपकी NH2 और आपका OH। ठीक है, जब ये NH2OH से आपका अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, यहाँ पर आपका, ठीक है, जहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वहाँ आपका जाके नाइट्रोजन लग जाता है। ठीक है, क्या लग जाता है आपका, नाइट्रोजन, और बना क्या लेता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये वाला जो पोजीशन है, ये ग्रुप आपका क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं ऑक्जैम। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्जैम कहते हैं। ठीक है, ऑक्जैम, तो ये क्या करता है, अभी ऑक्जाम का फॉर्मेशन करता है जब NH2OH से क्रिया कराते हैं, किसकी, लैक्टोज की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ऑक्जाम का फॉर्मेशन करता है। 69, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 69, इनमें से कौन मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड बताना है कौन सा है। ठीक है, क्या सुक्रोज मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड है, माल्टोज मोनोसैकेराइड है, या लैक्टोज आपका मोनोसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर करेंगे, कौन सा आपका मोनोसैकेराइड है, ये आपको बताना है। ठीक है, मोनोसैकेराइड के बारे में बताएंगे कौन सा हो जाएगा। चलिए, सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड होता है, अभी माल्टोज भी आपका डाइसैकेराइड होता है, और लैक्टोज भी आपका डाइसैकेराइड होता है, तो बचा क्या आपका मोनोसैकेराइड, कौन, गैलेक्टोज। ठीक है, क्या बचा आपका, गैलेक्टोज आपका क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोनोसैकेराइड हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा था कि लैक्टोज का जल अपघटन कराने पर, ठीक है, किसका, लैक्टोज का जल अपघटन कराने पर ये क्या दे रहा था, ये आपका गैलेक्टोज दे रहा था, गैलेक्टोज दे रहा था, और प्लस आपका ग्लूकोज दे रहा था। ठीक है, गैलेक्टोज और आपका क्या दे रहा था, ग्लूकोज दे रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डाइसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज, जो हमें कहाँ से मिलेगा, लैक्टोज से मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। 70 कह रहा, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसको कई बार पढ़ा है। ठीक है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, कह रहा ग्लूकोज, या फ्रक्टोज, या स्टार्च, या सेलुलोज, तो भाई प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आपका जो है कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करेंगे, कौन सा हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो फ्रूट शुगर, जिसे हम फ्रक्टोज पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से, ठीक है, फर्स्ट वीडियो से, तो ये प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसे फ्रूट और शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 71 कह रहा है, चीनी, जिसे केन शुगर कहते हैं, जल अपघटन कराने पर देता है। ठीक है, चीनी, और इसी को क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। जब इसका जल अपघटन होता है तो क्या मिलता है, ये आपको बताना है, क्या ग्लूकोज मिलता है, या फ्रक्टोज मिलता है, या ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों मिलते हैं, या आपका डेक्सट्रोज मिलता है। ठीक है, तो जब जल अपघटन कराओगे तो क्या केवल ग्लूकोज मिलेगा, या केवल फ्रक्टोज मिलेगा, या ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिलेंगे, या आपका डेक्सट्रोज मिलेगा, तो ये आपको बताना है क्या मिलता है जब आप सुक्रोज का जल अपघटन करा देते हो। तो जल अपघटन कराने पर हम जानते हैं हमें क्या मिलता है, सुक्रोज से ग्लूकोज मिलता है, और हमें क्या मिलता है, फ्रक्टोज, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का हमें एक एक अणु जो है प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, एक कार्बोहाइड्रेट में होता है क्या,
क्या होता है ये कार्बोहाइड्रेट में? क्या कार्बन तथा ऑक्सीजन होता है, या आपका कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है, या कार्बन हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होता है, या कार्बन तथा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, कोई भी ले लो आप, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, तो सभी में अगर हम बात करें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो सुक्रोज ले लो, क्या है, C12, और आपका H22, और O आपका क्या है, 11। तो कार्बन भी है इसमें, हाइड्रोजन भी है इसमें, और क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन आपका B, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ना तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ये दो तो है, लेकिन थर्ड वाला भी आपका क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, वरना ये भी आपका ठीक हो जाता, कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, इसलिए ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, B, ठीक है, कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, और ऑक्सीजन भी पाया जाता है, ठीक है। ये देखो 73 कह रहा है डाइसैकेराइडों का प्रचलित सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है, तो डाइसैकेराइडों का प्रचलित सामान्य सूत्र क्या है, जैसे आपका सुक्रोज ले लो, क्या है आपका, एक डाइसैकेराइड है, तो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, क्या C10H18 9 हो जाएगा, क्या C10H20O10 हो जाएगा, क्या C11H22O11 हो जाएगा, क्या C12H22O11 हो जाएगा, तो इनमें से कौन सा है जो प्रचलित सामान्य सूत्र है, किसका, डाइसैकेराइडों का, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते चले आ रहे हैं भी, डाइसैकेराइड हमारा क्या है, सुक्रोज, जिसका नाम क्या है, C12H22O11, तो इसमें कहीं दिखाई दे रहा है C12H22, तो क्या हो जाएगा, डी, डी आपका क्या है, कि डाइसैकेराइड है, ठीक है, क्या है, डाइसैकेराइड का सामान्य सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, चलिए 74 की अगर हम बात करें, कह रहा दूध में उपस्थित डाई सैकेराइड है, तो इनमें से ऐसा कौन सा सैकेराइड है जो आपका दूध में पाया जाता है, क्या आपका सुक्रोज पाया जाता है दूध में, या लैक्टोज पाया जाता है दूध में, या माल्टोज पाया जाता है दूध में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो सुक्रोज दूध में कौन सा आपका डाइसैकेराइड होता है, ठीक है, जिसके कारण आपका दूध का जो है स्वाद हल्का मीठा होता है, तो कौन सा पाया जाता है, चलिए आंसर करेंगे आप 74 का क्या हो जाएगा, 74 का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, चलिए, तो दूध में आपका किस तरह का जो है डाइसैकेराइड पाया जाता है, तो क्या होता है, सभी जानते हैं भाई, लैक्टिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लैक्टिक आपका क्या है, एक डाइसैकेराइड है, जो किसमें पाया जाता है आपका दूध में, और जिसके कारण आपका दूध का थोड़ा मीठा जो है स्वाद हो जाता है। 75 स्टार्च बहुलक है, स्टार्च पॉलीमर है, लेकिन है किसका, ये आपको बताना है, क्या ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, या आपका ग्लूकोज का पॉलीमर है, या दोनों का पॉलीमर है, या इनमें से किसी का नहीं है। तो स्टार्च आपका बहुलक है, लेकिन किसका, फ्रक्टोज या ग्लूकोज का, किसी एक का बहुलक है, या इनमें से किसी का नहीं है, या दोनों का, आंसर क्या हो जाएगा ये आपने बताना है, 75 का आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका, अगर हम स्टार्च की बात करें, तो स्टार्च कब बनता है, स्टार्च जब आपके ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के बहुत सारे अणु मिल जाए, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो ये आपके ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ते जाएंगे एक दूसरे से, ग्लूकोज क्या है, एक इकाई है, ठीक है, मोनोमर है, जब ये आपस में जुड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक बहुलक बना लेगा, ठीक है, यानी कि एक लंबा अणु बना लेगा, तो उसी को क्या कहते हैं हम, बहुलक, ठीक है। तो स्टार्च किसका बहुलक है भाई, ग्लूकोज का, ठीक है, किसका हो जाएगा, ग्लूकोज का, ठीक है, जो कि ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो अब तक हमने 25 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे, एक बार में अगर आपने नहीं समझा तो दोबारा से वीडियो को देख लें, आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो हम बात करेंगे 76 से, ठीक है, 76 से, और लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास हम फिर उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपकी हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, और अगर आप BSc सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो आपके लिए है ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बन रही है हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर द वीडियो, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।